हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बैक बेंचर गेमर चैनल। डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन की वीडियो नंबर 18 के साथ मैं आ गया हूँ। आज के एपिसोड में कारा और एलिस के बारे में है। लास्ट वीडियो में इन लोगों के आप लोगों ने देखा था कि कारा जो है एक घर में फंस गई थी और ज़लाटको नाम का एक बदमाश था जो कि रोबोट्स को हेल्प नहीं करता था बल्कि उनको रीसेट कर देता था, उनको बेच देता था और उन पर एक्सपेरिमेंट करता था। तो बड़ी मुश्किल से उसके नौकर, ये जो बराबर में बैठा हुआ है लूथर, इसकी मदद से ये लोग घर से भागे और अब कनाडा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोई सेफ़ जगह है, वहाँ पर एंड्रॉयड्स आज़ादी के साथ रह सकते हैं। मगर ये गाड़ी ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है बाहर और अब ये बाहर जा कर के चेक करेंगे ये लोग। मगर इन लोगों ने गाड़ी को जब देखा तो ये गाड़ी ठीक नहीं हो सकती और ये दोनों तो एंड्रॉयड हैं, इन लोगों को ठंडक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लूथर कह रहा पैदल चलते हैं, मगर इस कारा ने कहा कि ना नहीं, हम लोग पैदल नहीं चल सकते, एलिस जो है छोटी बच्ची है, वो सर्दी से नुकसान हो सकता है उसको। तो ये लोग आगे गई थोड़ा कारा तो उसको एक बोर्ड नज़र आया, यहाँ पे कोई एक पुराना पार्क था जो अब के बंद है, पायरेट्स कोव के नाम से। तो फिर इन लोगों ने एलिस को गाड़ी से उठाया, लूथर ने गोदी में लिया और यहाँ पर ये लोग कोई रात गुजारने की जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ पर पार्क में कोई एक स्टैचू था, उसने जैसे ही ऑन किया तो इतने ज़ोर से शोर मचाने लगा और कहने लगा ख़तरा तभी होता है जब आप उसको उम्मीद नहीं कर रहे होते और वहीं से ख़तरा आ जाता है, और बहुत ही डरावना सा था ये। फिर आखिर ढूंढते ढूंढते मुझे एक जगह नज़र आई कि यहाँ पर रात गुजारी जा सकती है। तो यहाँ से टॉर्च से इसने देख लिया कारा ने, तो अब अंदर जाने का रास्ता देखना है कि अंदर कहाँ से जाया जा सकता है। तो यहाँ पर दरवाजे पर लकड़ी लगी हुई है और कारा जो है यहाँ पर लकड़ी निकालने की कोशिश कर रही है। तो लूथर ने कहा कि छोड़ दो, ये काम मैं करता हूँ, ये एक बड़े साइज़ का एंड्रॉयड रोबोट है। तो आराम से एक ही झटके में ये लकड़ियाँ निकाल दी इसने और रात अब हम लोग यहाँ गुजारेंगे, सुबह देखेंगे कि क्या हो सकता है। मगर अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है तो अभी बेहतर ये है कि कहीं रात गुजार ली जाए और सुबह होने का इंतज़ार किया जाए। और फिर यहाँ पर आ गए हम लोग जहाँ पे काफ़ी अंधेरा था। लूथर ने इधर उधर लकड़ियाँ जमा की और आग जला दी ताकि थोड़ी गर्मी हो और एलिस जो है आराम से रात गुजार सके। और ये कारा अपने बैग में चेक कर रही है, इसके बैग के अंदर थोड़ी सी कुकीज़ वगैरह थे और एक गन भी है जो कि उसने चुराई थी एलिस के बाप से। और फिर इसने रात ये बिस्तर बना दिया यहाँ पर आग के पास ताकि थोड़ी गर्मी महसूस हो। एलिस दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ है, उसको गौर से देख रही थी। इस पर एक फैमिली की पिक्चर है, एक माँ बाप हैं, दो बच्चे हैं, तो ये बड़ा उदास हो रही है। और फिर इसने एलिस ने कारा से पूछा क्या हम भी कभी ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो कारा ने कहा क्यों नहीं, हम लोग भी इसी तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बस एक बार कनाडा पहुँच जाएँ और वहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, वहाँ कोई भी हमें पकड़ने या मारने नहीं आएगा। फिर एलिस ने कहा कारा मुझे प्लीज़ कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाओ। तो फिर कारा ने इसको अब इसी की स्टोरी सुना दी कि एक बच्ची है, वो स्ट्रगल कर रही है मगर बहुत बहादुर है। और फिर एलिस ने कहा कि ना लूथर को कि तुम मुझे गुड नाइट नहीं कहोगे। तो फिर ये भी इसने कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें गुड नाइट कहूँगा। और फिर ये भी आया उठ कर के और इसने एलिस को गुड नाइट किस दी और गुड नाइट कहा ताकि ये सुकून से सो जाए। असल में एलिस को कभी एक फैमिली मिली नहीं है जो इससे मोहब्बत करे, तो हर वक्त ये इसी एक अच्छी सी फैमिली की तलाश में रहती है। और फिर ये सो गई। फिर रात में लूथर और कारा आपस में बातें कर रहे थे। कारा ने लूथर से पूछा अपने बारे में बताओ, तो उसको कुछ अपने बारे में कुछ याद नहीं है। इसने कहा मैं एक बड़े साइज़ का एंड्रॉयड हूँ, तो मज़दूरी वाले काम, मेहनत वाले काम करने के लिए बनाया गया हूँ। और फिर अचानक से यहाँ पर दरवाजे पर कुछ ज़ोर ज़ोर से मारने लगा और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए हैं, शीशा टूटने लगा और ये लोग रेडी हो गए हैं। कारा ने कुछ करना है एलिस को बचाने के लिए फ़ौरन से। बहुत सारे अजीब से लोग आ गए हैं, इनके कपड़े भी अजीब से हैं और यहाँ पर मुझे फ़ैसला करना है क्या करना है। यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ है, एक तरफ बैग है और ये मेरे बैग में यहाँ पर गन है, तो मैं भाग करके गया और बैग से मैंने गन निकाल ली और लूथर ने बच्ची को पकड़ लिया और गन मैंने इन लोगों के सामने कर दी। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि मैं हवा में फायर करूँ, इनसे पूछूँ कौन हो। तो मैंने पूछा कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो। तो ये कह रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नुकसान पहुँचाने नहीं हैं, हम लोग तो तुम्हारी तरह एंड्रॉयड ही हैं।
और हमारा नाम जेरी है। ये लोग सब एक ही शक्ल के हैं। इसने कहा कि हम लोग पार्क में काम करते थे, मगर पार्क जब से बंद हुआ है हम लोग यहाँ पर अकेले रहते हैं, और हम लोग ये चेक करने के लिए आए थे कि यहाँ कौन आ गया है, कोई इंसान तो नहीं आ गया, क्योंकि इंसान अक्सर आते हैं रात में और हमें तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो ये इसने बेटी को, लड़की को देखा और बोलने लगा, अरे लड़की छोटी सी, हमने बहुत टाइम के बाद एक किसी बच्ची को देखा है यहाँ पर। जब पार्क ऑन था, चलता था, तो लोग आते थे बच्चों के साथ। तो ये कह रहा है कि बच्ची इतनी सैड क्यों है, नाराज क्या, उसको मसला क्या है। तो इसने, कारा ने कहा कि कुछ ज़िंदगी इसकी ठीक नहीं चल रही, प्रॉब्लम्स हैं। तो जेरी ने कहा कि मैं इसको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये बहुत खुश हो जाएगी। तो फिर एलिस भी जाना चाहती है, देखना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ दिखाना चाह रहा है वो जेरी। फिर ये लोग बाहर निकले, तो यहाँ पर एक झूला था, एक राइड थी, उसकी लाइट ऑन की, और ये जेरी कह रहा है कि तुम इसको ऊपर बिठाओ और इसको सैर कराओ। मैरी गो राउंड या कैरोसल ऐसे कुछ कहते हैं इसको। तो फिर कारा ने एलिस को इसके ऊपर बिठा दिया, क्योंकि एलिस बैठना चाह रही थी, वो भी कुछ ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहती है, छोटी छोटी चीज़ें। और यहाँ पर इसने इसको बिठा दिया, और अब ये इसको ऑन कर देंगे, ये गोल गोल घूमेगा, और आज की वीडियो में कोई एक्शन तो नहीं है, स्टोरी चल रही है, और मैं पूरा गेम डालता हूँ, एक एक चीज़ जो जो भी हुआ वो सारी स्टोरी में डाल रहा हूँ वीडियो बना करके, ताकि देखने में मज़ा आ सके आप लोगों को। तो कारा कह रही है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में इसको मुस्कराते हुए देखा है, क्योंकि बच्ची की ज़िंदगी में इतनी टेंशन थी कि कभी मुस्कराती नहीं थी। तो वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या आगे ये लोग के साथ क्या होता है, ये लोग कनाडा पहुँच पाते हैं या रास्ते में इन लोगों को और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।